दोनों पंच जा बोनशेट संघ थोड़स सहकार्य करा आम्हाला। अगदी मागच्या आठवड्यामध्ये आपण कडाक्याच्या थंडीमध्ये बोनशेत येथे नाईटची भव्य दिव्य स्पर्धा पाहिली, काय ते आयोजन भव्य दिव्य देखावा आणि काय ती थंडी, त्या गुलाबी थंडीमध्ये सर्वांचं क्रिकेटचं वातावरण अगदी हलवून ठेवलं होतं त्या टूर्नामेंटनं। अगदी तिथे काही प्रेक्षक तर आम्ही असे पाहिले की रात्रीच्या प्रसंगामध्ये सचिन दादा अक्षरशः हेल्मेट घालून होते, एवढी कडाक्याची थंडी बोनशेटच्या नाईट रजनीमध्ये, एकदम प्रचंड प्रखर अशी थंडी, जसा उन्हाचा तडाखा तसा थंडीचाही तडाखा पाहिला तिथे, जणू काही हिमालयात मध्ये ती स्पर्धा चालू होती की काय असं तिथे वातावरण बनलं होतं। आणि इथे सामनाही जिंकलाय बोनशेत संघानं, शुभेच्छा असतील, हार्ड लक आपण पाहिलं चिंचवली संघ। शेवटचा सामना भोकरपाडा विपक्ष यंग स्टार मोरबे सागर अँड टीम, गोलंदाज तयार मंगेश नावडेकर समोर आनंद आनंद आणि जीवन, जीवन में आनंद होना चाहिए, ऐसी जोड़ी आनंद और जीवन। गेंदबाज तैयार, पहली गेंद, ये देखिए पुश करो खुश रहो, कोई रिक्स नहीं यहां से। चला तीसरे पंच मैदान हत मध्य पाठवा का ऑन स्क्रीन ऑन स्क्रीन, चला ऑन स्क्रीन वरती तो पाला जाए। अगदी आनंद पहली गेंद सही तरीके से यहां से पुश किया, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद कैच का मौका, विकेटों के पीछे गलती नहीं होगी इस मरतबा, पहला विकेट मैदान से बाहर भोकरपाडा टीम का, सलामी बल्लेबाज आनंद बैक टू द पवेलियन। चलो पहला झटका तो यहां से लगा भोकरपाडा टीम को, टॉस जीता और उसके बाद में स्क्वेअर लेग अंपायर पंच थोडस जरा तुम्ही लेफ्ट अथवा राईटला सरका म्हणजे कॅमेऱ्यामध्ये बरोबर आपल्याला जमेल, थँक यू, कारण का राईट अँगल कॅमेरा स्टेज वरती आणि तुम्ही अगदी समोर त्याच्या म्हणजे डिसिजन देणं थोडस डिफिकल्ट होईल। चलो नया खिलाडी इस बीच विशाल फुलोरे बीच मैदान में, सभी फुलोरे भाई बहन यहां से भाई देख रहे, आनंद मैदान से बाहर, अब जीवन जीवन का साथ निभाएंगे विशाल, नाम काफी अच्छे बड़े आनंद जीवन विशाल। गेंदबाज तैयार, यहां से पटकी हुई गेंद लेकिन दिशा खराब थी, अंपायर का सिग्नल यहां से मिला व्हाइट, यानी कि एक्स्ट्रास के साथ में यहां से टीम का खाता खुला, मौका पड़ा टीम। यहां से गिल्लियां बिखेर दी, आगे वाला दरवाजा बंद किया, भाई पीछे का दरवाजा बंद कौन करेगा, चोरी तो यहां से होनी थी, यानी दूसरा झटका लगा इस मर्तबा भोकरपाडा टीम को, विशाल फुलोरे यहां से निराश कदमों के साथ मैदान से बाहर, और एक झटका लगा। थैंक यू सो मच। देखिए दो खिलाड़ी मैदान से बाहर, अब नया खिलाड़ी संदेश फुलोरे, पहली गेंद से डाउन द ग्राउंड, खिलाड़ी सागर जरूर है लेकिन उससे पॉज से बाहर, गेंद जाएगी सीधा लॉन्ग ऑन से बाहर, पहला चौवा संदेश के बल्ले से अब देखने को मिल। कि मिडल ऑफ द बैट लगे रहा तो मानो उस खिलाड़ी का वो मैच में अच्छा टाइम चल रहा है। चलो सा वेलकम गेट जो है वहां पे एक बुलेट गाड़ी है, बुलेट तो जिस किसी की भी है थोड़ा सा साइड में लगाई है, आने जाने में थोड़ी सी तकलीफ है। गेंदबाज तैयार,
ये देखिए बल्ले का बाहरी किनारा, सॉफ्ट डिसमिसल यहां से, विकेटो के पीछे कोई गलती नहीं, विकेट नंबर 3 मैदान से बाहर, संदेश फुलोरे जिन्होंने 54 दागा उसके बाद में विकेट। जरूर जब 54 लगा तभी संदेश फुलोरे ऐसा लगा कि शायद आज इनका बल्ला आग उगलेगा, लेकिन गेंदबाज को वो पसंद नहीं था, अगली गेंद के ऊपर विकेट मिला। जरूर अभी भी एक गेंद बचे इस मैंडेटरी पावर प्ले की पहली ओवर, 5 ओवर का मुकाबला, 5 गेंदबाज यहां से इस्तेमाल हो गए। पहली ओवर यहां से गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा मंगेश नावड़ेकर और नया खिलाड़ी मितेश फुलोरे, मितेश भोईर। चलो अब नया सरनेम देखने को मिले, हमें ऐसा लगा कि शायद ये भी फुलोरे हो सकते। मिस्टर मिगे कैच का मौका, 3 खिलाड़ी जरूर थे लेकिन यहां से कॉम्बिनेशन अच्छा मिला, कैच को यहां से पकड़ लिया, यानी विकेट नंबर 4 पहली ओवर में मैदान से बाहर, टोटल रन यहां से बने 5 और विकेट गवाए भूकरपाड़ा टीम ने 4। पड़ा टीम के 11 खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि हर बार आप फील्डिंग करते हो तो आज बैटिंग भी करने का मौका मिलेगा। नन्ना मुन्ना जो खिलाड़ी बैठा है वो हंस रहा है कि शायद आज मेरा भी नंबर आएगा उसमें। चलो 5 रनों के ऊपर 4 खिलाड़ी मैदान से बाहर, यहां से हालत थोड़ी सी खराब जरूर दिख रही है लेकिन इसमें भी सुधार हो सकता है। अभी भी 4 ओवर बचे तो यहां से भी अगर सिंगल डबल के साथ चलेगी ये गाड़ी तो जरूर जिस लक्ष्य के पास पहुंचना है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर सकती है, ये प्रयास होना चाहिए। अब नया गेंदबाज दिखेगा गेंदबाजी के लिए, अब खुद कप्तान सागर आए, सागर उलवेकर, हमेशा अच्छी कप्तानी उनके माध्यम से देखने को मिली। अब जीवन फुलोरे भाई पिछला और नॉन स्ट्राइक के इनके ऊपर खड़े थे, सब देख रहे थे भाई आगे के छोर में क्या चल रहा है, अब उन्हें साबित करना होगा। पहली गेंद यहां से सागर की ऑफ स्टिक से बाहर वाली गेंद थी, थोड़ा सा प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज जीवन ने कि शायद उसके ऊपर कुछ रन मिल जाए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डॉट गेंद यहां से देखने को मिली, जिस तरीके से मंगेश ने शुरुआत की थी वैसे यहां से सागर गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, गुडलैंड स्पॉट, वहां से थोड़ी सी उछाल, बल्लेबाज को पूरी तरीके से यहां से बीट करती हुई गेंदें देखने को मिल रही। 5 रन यहां पे बन चुके टोटल, गेंदें यहां से तकरीबन 8 हो चुके और 4 खिलाड़ी मैदान से बाहर। ये संपर्क बना जरूर है, मिस टाइमिंग अलॉन्ग द कार्पेट, खिलाड़ी मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्ड और रन वहां से बने 2। जीवन भी शायद यही चाहते थे कि मेरे बल्ले से रन यहां से बनने चाहिए तब जाके यहां से स्कोर कार्ड के ऊपर रन बनेंगे। अगर जीवन फुलोरे बीच मैदान में डटा रहा तो मानो भूकरपाड़ा टीम के लिए अच्छे संकेत जरूर दिखेंगे इस मैच में। ये देखिए लेट कैट खिलाड़ी है, गेंद को रोकने में सक्षम, रनआउट का मौका और यहां से सागर ने कोई गलती नहीं की, बल्लेबाज राम फुलोरे मैदान से बाहर, यानी आधी टीम डगआउट में, रन नहीं बना। टोटल रन यहां से बने स्कोर कार्ड के ऊपर महज 7 और 5 विकेट मैदान से बाहर। क्या लगता है तुम्हें क्या होगा आगे? नहीं तो इतना घूर के क्यों देख रहे तुम? चलो 5 खिलाड़ी तो 7 रनों के ऊपर मैदान से बाहर हो चुके, नया खिलाड़ी बीच मैदान में, कैच का मौका, जीवन को लौटना होगा मैदान से बाहर, विकेट नंबर 6 मैदान से बाहर। यस सागर गेंदबाजी कर रहे और उनके छोटे भाई, क्या नाम है भाई उसका, कैच पकड़ा संगम, 3 कैच लपके
संगम ने। फील्डर का अवार्ड है क्या अपने इसमें? है तो नाम जरूर उनका यहां से हम लिखेंगे, बस जीतनी चाहिए टीम। 6 विकेट गिर चुके हैं, रन बने 7। काफी कम मर्तबा ऐसा स्कोर कार्ड देखने को मिलता है हमें, रन कम और विकेट ज्यादा। सूरज ठाकुर, चलो अब ठाकुर मैदान के अंदर है तो गब्बर तो आना ही होगा, गब्बर को लाना ही होगा यहां से। कैच का मौका, लेकिन इस मर्तबा नसीब अच्छा था बल्लेबाज का, गेंद सीधा थर्ड मैन से बाहर 4 रन के लिए। चलो रन कैसे भी आए, ओवर नंबर 2 यहां से टोटल समाप्त। 6 विकेट के ऊपर टोटल रन अब डबल डिजिट में 11 रन। चलो अच्छे संकेत है बंगा बोकार बड़ा टीम के लिए कि मैच डबल डिजिट तो यहां से प्राप्त हुआ, नहीं तो काफी मुश्किल थी। हाँ तो इसके लिए तो ये अच्छी इतनी गेंदबाजी हुई मोरबे टीम, मानो इनके लिए खानाव का ये मैदान तो होम ग्राउंड जैसा ही है, ज्यादातर यहाँ पे प्रैक्टिस कर दी है तो उन्हें पता है कि भाई ये पिच के ऊपर गेंदे कैसी होनी चाहिए, और मंगेश और सागर ने तो वो साबित भी कर दिखाया। रन बने 11, विकेट मैदान से टोटल बाहर हो चुके, कुल मिला के 7 विकेट, 6 विकेट हुए। यहां से सिंगल बना, इस मर्तबा गेंदबाज गेंदबाजी के लिए तैयार चेतन नावड़ेकर। हाँ वो तो लाएगा भाई, उनका घरेलू मैदान है तो कुछ भी कर सकते। ये देखिए ऑफ्सिक के बाहर वाली गेंद और बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश, रन नहीं बनेंगे। अब सामने है सूरज ठाकुर और राम मात्रे, ये दो खिलाड़ी बीच मैदान में अभी संघर्ष जारी है उनका। दो सफल गेंदबाज देखे मंगेश और सागर को, अब नया गेंदबाज चेतन, ये भी अच्छी गेंदबाजी, 3 गेंदों में महज 1 ही रन खर्च किया। चलो अब सूरज ठाकुर जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर चौवा मिला था उसके बाद में कोई रन नहीं आया, लेकिन यहां से लाइन देखनी होगी एक एक्स्ट्रा रन। हाँ तो ये मोरबे टीम भी काफी चालाकी से इस ग्राउंड के ऊपर उतरी है। 5 ओवर 5 गेंदबाज, लेकिन 8 गेंदबाजों के साथ मैदान के अंदर, कभी भी कुछ भी घट सकता है। अगर किसी गेंदबाज ने अगर 2 गेंदे बीमर डाली तो उसकी जगह पे दूसरा खिलाड़ी तैयार होना चाहिए। ये नियमों के तहत ये गेंदबाजी अच्छी, चेतन नावड़ेकर महज 4 गेंदे फेंकी उसमें व्हाइट के साथ 2 रन खर्च के, टोटल रन यहां से 13 बने। ये देखे इस मर्तबा कैच का मौका, सागर तो आए जरूर लेकिन कैच तक पहुंचे नहीं, 2 रन आसानी से बनेंगे। इथे अपन पातो मंचावर सतीश दिसले साहेबांचं इथे शुभागमन झालंय, त्यांचं देखील आपण करूया सहर्ष स्वागत। चलो यहां से ओवर नंबर 3 समाप्त हुए, टोटल रन यहां से बने 15, विकेट मैदान से बाहर चले गए यहां से कुल मिला के 6। राम मात्रे और सूरज ठाकुर यहां से रन जुटाने की कोशिश कर रहे, और मोरबे टीम यंग स्टार मोरबे उनका कप्तान सागर उलवेकर, भाई इस खिलाड़ी का तो क्या कहना, कई सारे खिलाड़ी को इस बंदे ने तैयार किया। कप्तान ऐसा होना चाहिए कि जो कि खुद आगे जाके तो जरूर लड़ेगा लेकिन पीछे वाले बेंच को भी तैयार करने में सक्षम है खिलाड़ी सागर उलवेकर। कई मर्तबा इस खिलाड़ी ने नए नए टैलेंट को मौका दिया और वो टैलेंट चमका भी है, आने वाले दिनों में भी ये काम ऐसा ही करते रहेगा खिलाड़ी,
क्योंकि उनमें क्षमता है, उनमें प्रोटेक्शन है। जैसे हमने महेंद्र सिंह धोनी को देखा, नए खिलाड़ियों को, नए चेहरे को मौका दिया, वैसे हमारा ये सागर उल्वेकर यंग स्टार मोरबी टीम का कप्तान नए खिलाड़ियों के अक्सर उनके ऊपर भरोसा रखता है और नए खिलाड़ी नए चेहरे को मोरबे गांव से ढूंढ के लाता है और इस क्रिकेट जगत में उन्हें नया नई पहचान दिलाने में सक्षम या ऐसा कप्तान सागर उल्वेकर मैन फॉर्म यंग स्टार मोरबे। चलो अब तीन ओवर यहां से खत्म। आपके पास सागर आठ विकल्प है तो चौथा विकल्प जल्द से जल्द लाइए, ज्यादा समय ना यहां से खर्च किए। रन हालांकि कुछ बने नहीं, अब जाके 15 तो बने 18 गेंदों के बाद, लेकिन 6 विकेट गंवाने पड़े। शायद भोकर पड़ा टीम अब राहत की सांस ले बैठी होगी कि भाई आगे जो दो हो रहे, अगर ये दो बल्लेबाज डटे रहे तो यहां से भी 35 रन तक ये दौड़ लगाएंगे और अच्छी फाइट जरूर देखने को मिलेगी। नहीं तो हमारे छोटे उस्ताद तो वैसे भी बैठे पैड बांध के डगआउट में, उनका भी शायद नंबर आ सकता है, हमारी नजर है उसके ऊपर। ये देखिए स्लॉट में गेंद थी, सीधा प्लॉट में जाएगी, पहली गेंद के ऊपर दागा छक्का। बल्लेबाज राम मात्रे एक लेजेंड क्रिकेटर, कई अर्धशतक उनके नाम के ऊपर है। ऐसा राम मात्रे अब 7 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी के लिए यहां से संकट मोचक बल्लेबाजी करते समय छक्का दागा, छक्के के साथ 21 बने। अभी भी मैच में रंग बनेगा अनुराग नावडेकर। छक्का नंबर 2, द लेजेंड क्रिकेट, फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट, ये यहां से दिखाते हुए राम मात्रे। कई दिनों के बाद आज उनका बल्ला चला है, वो भी सही समय के ऊपर, जब 6 विकेट मैदान से बाहर, सबने हाथ छोड़े थे इस मैच में भोकर पड़ा टीम के लिए, लेकिन राम मात्रे ने यहां से बताया कि नहीं भाई, अभी भी मैं जिंदा हूं, टाइगर अभी भी जिंदा है। शेर हालांकि कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन वो घास कभी नहीं खाएगा, वो हमेशा मांस ही खाएगा, ऐसा हमारा राम मात्रे। 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के, टोटल रन यहां से बने 27 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अब अनुराग नावडेकर इसके ऊपर निगाह जरूर सबकी होगी। गेंदबाज तैयार, ये देखिए जड़ में डालने की कोशिश, लॉन्ग द कार्पेट सिंगल बना, दूसरे की कोशिश, 2 आसानी से बन गए। शायद मोरबे टीम को यह सोचना होगा कि भाई राम मात्रे जल्द से जल्द स्ट्राइक एंड पे ना आ जाए, अगर उनका बल्ला इसी तरीके से चला तो यहां पे रनों का अंबार खड़ा कर देगा। 29 तो बन गए, देखिए 6 विकेट जो गिरे थे ना, वो सब मानो इन 29 रनों के पीछे भाग गए। और एक छक्का, फुल टॉस बॉल, क्रॉस बैटर से यहां से खेला हुआ स्ट्रोक, सीधा बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, 6 रन। चलो थर्ड अंपायर बैटिंग रिव्यू, चलो टेक्निकली टीम चेक करेगी यहां से। हवा के संग संग घटा के साथ साथ जाओ उधर, जाओ 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 बाहर, जाओ जाओ उधर। चलो हमारी टेक्निकल टीम यहां से तैयार है, बीमर है या नहीं, छक्का तो मिला है। अरे मोरबा टीम भी थोड़ी संकट में, भाई ये कौन सी गलती हो गई जो इस खिलाड़ी को छुपा के रखा। तुरुप का एक्का हमेशा सही समय के ऊपर निकालना चाहिए, अगर सामने वाला बादशाह निकाले तो ही अपना एक्के को बाहर निकालेगा और भोकर पड़ा टीम ने यही किया है। चलो यहां से टेक्निकल टीम हमारी, उनके साथ में जुड़े हमारे सचिन दादा मुंडे, यानी छक्के की मदद से टोटल आप 35 तो बन चुके। यस फेयर डिलीवरी, कोई बात नहीं, चलो अच्छी गेंद थी। यहां से रिव्यू गवाया बैटिंग करने वाली टीम ने, यानी अब आगे आपको रिव्यू नहीं मिलेगा बैटिंग करते समय। लोअर फुल टॉस, सॉफ्ट हैंडल, यहां से ऑफ ड्राइव किया था, एक तो बना, दूसरे की कोशिश, 2 रन आसानी से।
शायद सागर भी सोच में गिरे होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है बीच मैदान में। अब टोटल रन यहां से 37 बने, इस ओवर की गेंदे यहां से बचे, अब मैच आखिरी गेंदे, उसके बाद में एक और ओवर, 37 रन यहां से बने। ये देखिए यहां से मैच सिंगल ही होगा क्योंकि एक और बाकी, एक ओवर अभी भी बाकी है, तो उसके लिए राम मात्रा ऑन स्ट्राइक पे रहना काफी जरूरी। 38 रन यहां से बने टोटल 6 विकेट के नुकसान पे, और इस ओवर में रन बने 23, तीन ओवर में रन नहीं बन रहे थे और इस एक ओवर में 23 रन बने। यस जरूर, हमने सागर उल्वेकर का जिक्र किया था कि उनके पास 8 गेंदबाज है, विकल्प ज्यादा है, लेकिन कभी कभी अक्सर उसी समय के ऊपर दिमागी संतुलन बिगड़ता है, तो उस समय में रोहित शर्मा जैसा दिमाग होना चाहिए, सही टाइम के ऊपर सही गेंदबाज को लाना होता है, शायद ये गेंदबाज होगा क्या नहीं होगा। अक्सर सागर उल्वेकर ये काम बखूबी निभाते, लेकिन इस मैच में मानो कुछ समय के लिए थोड़ी सी गलती हो गई और सामने राम, तो ऐसे एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी जब रहते हैं ना तो मानो थोड़ी सी गड़बड़ाहट होती है। नया खिलाड़ी तुषार शेल के, गेंदबाजी के लिए तैयार, ये वेरिएशन वाली गेंद थी, इसमें गति कम थी। सामने राम तैयार थी कि जल्दबाजी करने वाली एक हाथ गेंद आ जाए तो उसके ऊपर हम अच्छा स्ट्रोक यहां से लगाएंगे, लेकिन तुषार ने यहां से माइंड सेट किया है, दिमाग के ऊपर मानो बर्फ का गोला रखा है। ये देखिए कैच का मौका बनेगा, हवा है साथ में, कैच का मौका और कैच पकड़ लिया खुद गेंदबाज ने, यानी राम मात्रे को अब लौटना होगा। एक अच्छी नायाब इनिंग राम के माध्यम से जरूर देखने को मिली। वेरिएशन ये अक्सर अच्छे कप्तान की सचिन दादा निशानी होती है, प्लान बी, शायद एकाद कमजोर बॉलर को आगे लाया जाए, शायद वो चला तो चला, नहीं चला तो उसके बैकअप के लिए अच्छा गेंदबाज भी है, और वो गेंदबाज तुषार शेल के, उसने सही टाइम के आकर राम मात्रे जैसे बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता। 7वां विकेट मैदान से बाहर, टोटल रन यहां से बने 37 रन। ये देखे मिस टाइमिंग है, एक और बार खुद गेंदबाज, क्या बात है, कॉटन बोल्ड, दो गेंदों के ऊपर दो कैच यहां से पकड़ लिया, यहां से प्लान भी सक्सेस होता दिख रहा है सागर उल्वेकर का। सर्वेश आए थे वैसे अब मैदान से बाहर, जरूर चेतन केतन भी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन वो इस मुकाबले में गेंदबाजी नहीं करेंगे, शायद अगली मैच में उन्हें लाया जाएगा, ये प्लान होता है अक्सर कप्तान का। 37 37 रन बने और गेंदे अभी बची है कुल मिला के 3, विकेट मैदान से 8 जा चुके और विकेट हैट्रिक की लाइन के ऊपर है गेंदबाज, नया बल्लेबाज सुचित को अब कुछ ना कुछ तो सुचित करना ही होगा, वरना अगर असुचित हुआ तो मानो यहां से टीम बुरी संकट में। यहां से एक और बार कैच का मौका था, कॉटन बोल्ड, शायद ये रिकॉर्ड बन जाता कि तीनों विकेट तीन गेंदों के ऊपर खुद गेंदबाज ने कैच पकड़े, मानो गेंदबाज न्यूजीलैंड का ट्रेंड बॉल जो गेंदबाजी करते हैं उस एक्शन कि उसकी झलकियां तुषार शेलके में दिखती है। हालांकि ट्रेंड बोल्ट पहली ओवर डालते हैं लेकिन तुषार शेलके यहां से आखिरी ओवर, ये देखिए रिप्ले एक्शन में जरूर देख सकते हैं, राइट एंगल में अगर स्लो मोशन में देखा जाए तो ट्रेंड बोल्ट और तुषार शेलके दोनों कैमरे के सामने लाएंगे ना तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि भाई कौन सा ट्रेंड बोल्ट है कौन सा तुषार शेलके। ऐसा गेंदबाज, दो रन के साथ टोटल 40 बने अब। यस
ये तो काफी मास्टर बाइन स्ट्रोक होता है। ये देखिए अच्छी गेंद यहां से ओवर नंबर 5 यानी कि पहला सत्र यहां से समाप्त। एक फाइटिंग स्कोर जरूर बनाया मौका पड़ा टीम ने स्कोर के ऊपर, स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन अब जोड़े हैं वो भी टीम अच्छे है। उनके पास भी अच्छे गेंदबाज जिस राम मात्रे ने अच्छी बल्लेबाजी की तो गेंदबाजी के बखूबी अच्छा जानता है और संघर्ष जरूर होगा। चलो सागर उलेकर लाइनअप के साथ बाहर आना है। हाँ इस मुकाबले में ये इस बात के ऊपर जरूर गौर कीजिए। चलो 41 रन यहां से टारगेट दिया है यंगस्टार मोरबे टीम को। बनेंगे नहीं बनेंगे जरूर अगले सत्र में हम सुनेंगे हमारे साथी कमेंटेटर लवेश दीगे। सरपंच चषक ठेवलाय भारी खानाव गावाला, मेरे गावाचा संजय चेतनाव गाजतय तालुक्याला, मेरे गावाचा संजय चेतनाव गाजतय तालुक्याला, संजय पाटील मेरे गावाचा लयनाव रूपाला, संजय पाटील मेरे गावाचा लयनाव रूपाला। उपाध्यक्ष संजय शेठ पाटील सुख दुःखाला संजय शेठ धावून येईल, पनवेल तालुका उपाध्यक्ष संजय शेठ पाटील सुख दुःखाला संजय शेठ धावून येईल, गोरगरिबांचा दयाळू दाता आला होणावाला। थँक यू सो मच। चला मोरबे संघ आपण फलंदाज पाठवा। अगदी 40 धावा बनल्या गेल्यात आणि 41 धाव्यांचं लक्ष्य आहे। सचिन दादा मुंडे देखा जाए तो मोरबे गाव ऐसा ना उनमें कई सारे खिलाड़ी हैं। कल के रात में हमने देखा था टुंड्रा की रजनी में डीसीसी मोरबे टीम सुपर 10 के लिए क्वालिफाई। चलो बॉल दीजिए और आज यहाँ पे यंगस्टार मोरबे दोनों टीमों के पास 15 का जो स्क्वाड है ना सभी अच्छे खिलाड़ी। भाई बॉल तो दो ही होते तो आजकल बॉल चेक करने के लिए क्या क्या लोग करते हैं पता नहीं। हाँ वो भी दो नहीं चार पांच दबाने का मौका मिलता है ना उन्हें भी। सागर के पास देखिए सागर तुरंत बताएंगे भाई कौन सी गेंद अच्छी होगी लेकिन दूसरे खिलाड़ी के उनको मौका मिलता है कम बार तो दो में से उनका कुछ होता नहीं तो चलो भाई दो चार दीजिए दबोचेंगे और छोड़ देंगे बॉल। थोड़ी सी उन्हें भी खुशी मिलती है टेनिस बॉल है कड़क है या नरम है। चलो इसी बीच दो खिलाड़ी मैदान के अंदर ये बातें तो ऐसी चलती रहेंगी थोड़ी सी कॉमेडी भी होनी चाहिए। चलो अंपायर से ओवर कीजिए बंगरपाड़ा टीम बोकरपाड़ा टीम। ये क्या हो गया भाई ऐसा ऐसा मत कीजिए भाई आपकी गेंदबाजी का मौका जब मिलेगा ना तब ऐसी गिल्लियां बिखेरी है लेकिन अब नहीं। देखिए 41 रन यहां से बचाने होंगे बोकरपाड़ा टीम को और 41 रन बनाने होंगे यहां से यंगस्टार मोरबे टीम। सलामी जोड़ी बीच मैदान में ओम और उनके साथ में आयुष। ये साल तो मानो यंगस्टार मोरबे टीम के लिए काफी अच्छा गुजरा है। अगर इस साल की बात करेंगे तो 41 रनों के लिए वो 5 ओवर तक जाएंगे नहीं लेकिन बोकरपाड़ा टीम जिन्होंने अच्छा कमबैक किया है तो वो जरूर चाहेंगे कि आखिरी ओवर तक ये मुकाबला जाए और उसमें क्षमता भी है और पहला गेंदबाज शायद राम मात्रे तो एक्सप्रेस इज द बेस्ट टीचर।
ये पांच और पांच गेंदबाज है ना, हर टीम को काफी सवाल पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा गेंदबाज कौन सी ओर फेंकेगा। अक्सर देखा जाता है कि चार गेंदबाजों के साथ कई टीमें उतरती है, लेकिन पांच ओवर जब आते हैं ना तो उनमें सवाल होते कि भाई पांचवी ओवर कौन डालेगा आखिरी ओवर, लेकिन बीच में शायद कौन सी ओवर हो रहेगी, ये कैलकुलेशन बनाना पड़ता है। तो अब यहां से भोकरपाड़ा टीम भी वही दुविधा में गिरेगी कि भाई पांच ओवर तक मुकाबला कैसा चलेगा। ओम खोपकर लेटर क्रिकेटर है, स्टार्ट अच्छी देने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, छोटे उस्ताद तो दौड़ रहे लेकिन गेंद उनकी पहुंच में आई जरूर, यानी इस गेंद के ऊपर दो रन बने, दो के साथ टीम का और खुद का अकाउंट खुला। 41 की जरूरत 30 गेंदों में और गेंदबाज राम बात्रे गेंदबाज के लिए तैयार। यस, लेदर क्रिकेटर किस तरीके का होता है तो आप ओमकार खोपकर की तरफ देखिए, बल्ला किस तरीके का पकड़ते, खड़ा रहने का उनका स्टाइल, मानो कोई एक अच्छा खिलाड़ी बीच मैदान में। और ये देखिए कवर ड्राइव, मरीन ड्राइव से भी खूबसूरत, ये ओम खोपकर का कवर ड्राइव। संजय शर्मा नाव ये गाते बन दिल तारू प्याला, संजय शर्मा दिल मेरे गवाचा। चलो यहां से एक अच्छा कवर ड्राइव, मानो विराट कोहली मैदान के अंदर हो, ऐसा लेदर क्रिकेट जब खेलता है ना कोई खिलाड़ी तो ये स्ट्रोक देखने को मिलते। ये देखिए घुटने को थोड़ा मोड़ा खिलाड़ी, जरूर कैच का मौका लेकिन हाथों से गेंद छिटक गई और गेंद सीधा बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। कई सालों का तजुर्बा है उनके पास, कई मर्तबा अच्छी गेंदबाजी जरूर की है, लेकिन अब ढलता सूरज जो रहता है ना वो उतनी रोशनी तेजी से नहीं दिखाता है, कुछ ऐसी गेंदें यहां से जरूर दिखानी होगी। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री से बाहर, एक और 4 रन, परफेक्ट टाइमिंग यहां से दिखाते हुए ओम खोपकर। संजय शेटचा वाढदिवसा निमित्त ठेवले त क्रिकेट सामने आमदार प्रशांत दादा। देखिए जब एक्सप्रेस वाला खिलाड़ी सामने होना तो उसके लिए सामने खिलाड़ी भी अच्छा होना चाहिए, अगर वो लेदर क्रिकेटर रहेगा तो बखूबी उसको खेल सकता है। इनसाइड आउट, देखिए ओम खोपकर कितना क्लास उनमें, मैदान की चारों तरफ बल्लेबाजी करने की क्षमता है उनमें, और एक और चौवा, 3 गेंदों के ऊपर 3 चौवे जरूर देखने को मिले। यस, जगदीश खोपकर उनके पिताजी अभी भी 40+ में खेलते हैं तो बच्चा तो जरूर खेलेगा, वो कहते ना कि पापा कहते कि बेटा नाम करेगा, शायद ओम खोपकर कुछ ऐसे ही प्रयास कर रहे। ओवर नंबर 1 यहां से समाप्त, टोटल रन यहां से बने 21 रन, अब चाहिए 24 में मैच 20 रन। मानो पहली ओवर में ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड मुकाबला होगा, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, पलटवार जरूर होगा। अगर अगला गेंदबाज अच्छा निकला, उसकी इकोनॉमिकल ओवर यहां से गिरी तो यकीनन मोरबे टीम के लिए भी मुश्किलात होगी। और गेंदबाज यहां से तैयार, आनंद फुलोरे। आनंद ने हालांकि बल्लेबाजी में योगदान नहीं दिया था, विगर टूर्नामेंट में बाइक जिन्होंने जीती थी, बाइकर मैन। ये देखिए यहां से लेदर क्रिकेट कितनी अच्छी खेली जाती है, वो जो प्रैक्टिस होता है ना कड़ी धूप में, वो सब प्रैक्टिस का नजराना यहां से दिखाते हैं खोपकर। अच्छी ड्राइव यहां से दिख रहे और एक सिंगल जरूर बना। सामने अब आनंद फुलोरे गेंदबाजी के लिए, बाइकर मैन, और उनके सामने खिलाड़ी रहेंगे अब आयुष पड़के। 7 गेंदे नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर और अभी 8वीं गेंद के लिए अब पहला गेंद यहां से खेलने के लिए तैयार। क्या इस गेंद के ऊपर कौन सा नंबर होगा, लोअर फुल टॉस, बल्ले के पल्ले ठीक तरीके से आई नहीं, लेकिन एक रन जरूर बनेगा।
टीम के हित में होगा। 24 में 20 चाहिए थे, अब 22 में चाहिए 18 रन। लक्ष्य जरूर आसान सा लग रहा है, लेकिन ये क्रिकेट है, किंतु परंतु वाले बातें मैच खत्म होने के बाद मैदान से बाहर की जा सकती है, बीच मैदान में किंतु परंतु नहीं होता है। एक्शन मोड, कैच का मौका ओम कोप का, और यहां से लौटना होगा। मैच में अब पलटवार होगा क्या बोकर पड़ा टीम की ओर से। आनंद फुलेरे को मिली सफलता। संजय शेटच्या वाढदिवसा निमित्त ठेवले तर क्रिकेट सामने, आमदार प्रशांत दादा रुचे डाले तर प्रमुख पाहुणे, शशिकांत दिसले लागले पाहुण्यांचं स्वागत करायला, शशिकांत दिसले लागले त्यांचा स्वागत करायला, मेरे गावाच्या संजय शेटचं नाव गाजतंय तालुक्याला, मेरे गावाच्या संजय शेटचं नाव गाजतंय तालुक्याला, संजय शेट पाटील मेरे गावाचा आलाय नावा रूपाला, संजय शेट पाटील मेरे गावाचा आलाय नावा रूपाला। थैंक यू। अब देखिए खुद कप्तान बीच मैदान में सागर उलवेकर, एक अच्छा कप्तान, कई नायाब इनिंग उनके माध्यम से जरूर देखने को मिली है। अब टीम के लिए जरूरत भी है, संकट मोचक। ये देखिए सीधे बल्ले से स्टैंड, देखिए कितना अच्छा, पहली गेंद बीच बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी और सीधे बल्ले से पुश किया, गेंद सीधा बाउंड्री से बाहर, पहली गेंद के ऊपर 4 रन। पहली गेंद के ऊपर 4 रन, अब दूसरी गेंद, ये देखिए एक और इस मर्तबा पुश किया सीधे बल्ले से, जरूर है यहां से स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी लेकिन रन नहीं, जोखिम भी उठाने की कोशिश नहीं है, उन्हें पता है कि मुकाबला आसानी से यहां से जीत सकते हैं। टोटल रन यहां से बने कुल मिला के 27 रन बनाने हैं, 41 यानी अब लक्ष्य होगा 19 में 14। ये देखिए यहां से बदन की तरफ गेंद ने मुड़ किया और यहां से कोई रन नहीं बना, शायद कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि ये गेंद काफी खतरनाक होगी। एज ए गेंदबाज के तौर के ऊपर इस गेंद के जरूर फोकस होना चाहिए कि सामने वाले बल्लेबाज के वीकनेस पॉइंट क्या है, ये जल्द अपने माइंड में सेट करना होगा बोकरपाड़ा टीम को। टोटल रन यहां से बने 27, अब चाहिए 18 में 14, 18 गेंदे बचे और 14 रनों की दरकरार है। अब आयुष और सागर ये दो नए खिलाड़ी अब बीच मैदान में, हालांकि ओम खोपकर ने तो अपना जो काम था बखूबी निभाया, 7 गेंदों के ऊपर 1 छक्का और 3 चौके की मदद से 21 रनों की नायाब इनिंग उन्होंने दिखाई। अब नया गेंदबाज विशाल फुलोरे और सामने खिलाड़ी आयुष फड़के, एक बाहुबली जैसी ताकत उनमें कई मर्तबा देखी है लेकिन इस मुकाबले में ये सीधे बल्ले से हेलीकॉप्टर जरूर उड़ाने की कोशिश, खिलाड़ी मौजूद, 1 ही रन बनेगा। शायद मैच में अगर विकेट लिया जाए ना तो यकीनन मैच में वापसी कर सकती है बोकरपाड़ा टीम, उनमें क्षमता जरूर है लेकिन आपके अंदर जो हुनर है ना वो मैच के अंदर दिखाने की बस देरी है, वो बाहर लाइए अपने आप मैच बनेगी। ये देखिए यहां से गिल्लियां बिखेर दी, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, उसके बाद में स्टंप के ऊपर जाकर गेंद लगी और बल्लेबाज सागर उलवेकर को अब बाहर लौटना होगा। मंडल खाना गवाचा आए बगा साथीला, आई जगदम्बा इलेवन क्रिकेट संग आए बगा सोफतीला, ग्रामस्त मंडल खाना गवाचा आए बगा साथीला, आई जगदम्बा इलेवन क्रिकेट संग आए बगा सोफतीला, स्वर्गीय जगन्नाथ छत्तीसले मैदान वरती सामना पाहूया, स्वर्गीय जगन्नाथ छत्तीसले मैदान। थैंक यू सो मच। दूसरा झटका लगा, शायद कुछ जल्दबाजी हुई ऐसा लगा कि अगर सागर उलेकर पीछे भी रुक सकते थे, जब मैच फंसेगा तो निकालने की क्षमता उनमें थी, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, हालांकि रन उतने नहीं चाहिए, टोटल अभी बनाने कुल मिला के 13 रन चाहिए, अब गेंदे बचे 16। नया खिलाड़ी तुषार,
ये देखिए अच्छी गेंद, यहां से सराहना होनी चाहिए गेंदबाज विशाल फुलोरे की, लेकिन हर गेंदबाज एक ही ओवर डालेगा। क्या हुआ भाई, कुछ तो आवाज आया, चलो वजन थोड़ा सा ज्यादा हुआ, कैलाश थे। ये देखिए कैच का मौका, इनसाइड आउट, खिलाड़ी है लेकिन छोटे खिलाड़ी है तो गेंद तक पहुंचे नहीं, लेकिन अब फील्डिंग अच्छी है। देखिए थ्रो भी कितनी सटीक है सचिन दादा, ये ऐसा क्रिकेट होना चाहिए। अपकमिंग स्टार, शायद वहां का खिलाड़ी पीछे की तरफ भेज दिया गया हो, ऑन साइड में था तो उस क्षेत्र में खिलाड़ी होना चाहिए था। अगर यहां से मुकाबले में जीत दर्ज करनी है तो आपकी फील्ड की सजावट अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अब तो खिलाड़ी लगाया लेकिन वहां पे क्या जाएगा या नहीं जाएगा। अगली गेंद, यानी कि अब चाहिए टोटल बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, खिलाड़ी जरूर है लेकिन रन बनेंगे यहां से गलती पे गलती। दो गेंदों के ऊपर दो मर्तबा मौका बना था विकेट चटकाने का गेंदबाज के लिए, लेकिन खिलाड़ियों ने साथ नहीं दिया। टोटल रन यहां से बने 31, यानी अब मैच 10 रन दूर है जीत से दहलीज के पार। गेंदबाजी अच्छी, यकीनन गेंदबाजी अच्छी विशाल की, अच्छा कमबैक दिखाया, स्पिन अटैक और उसके ऊपर आक्रमण करना इतना आसान नहीं है। ब्लाइंड स्ट्रोक था, जाना था दिल्ली लेकिन पहुंच गए जापान, कुछ ऐसी बातें जरूर होती रहती है। अब 12 गेंदे 10 रन, चलो पानी लेके जाइए 12th बैन, तब तक हम डीजे सुनेंगे। मेरे गावाचा संजय शेट्टी नाव गाजतय तालुक्याला, संजय शेट्टी पाटील मेरे गावाचा लय नावा रूपाला, संजय शेट्टी पाटील मेरे गावाचा लय नावा रूपाला। सरपंच चषक ठेवलाय भारी खानाव गावाला, सरपंच चषक ठेवलाय भारी खानाव गावाला। मेरे गावाचा संजय शेट्टी नाव गाजतय तालुक्याला, मेरे गावाचा संजय शेट्टी नाव गाजतय तालुक्याला, संजय शेट्टी पाटील मेरे गावाचा लय नावा रूपाला, संजय शेट्टी पाटील मेरे गावाचा लय नावा रूपाला। थैंक यू सो मच। अब 12 में चाहिए 10 जरूर, दोनों टीम की तरफ रुख किया जाए तो दोनों भी इस मुकाबले में, अभी दोनों टीमें बरकरार हैं, मैच कभी भी घूम सकता है। हालांकि गेंदबाजी करने वाली टीम थोड़ी संकट में जरूर है क्योंकि 12 में 10 बचाने, लेकिन बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास बल्लेबाजी अभी भी सक्षम है। दो अच्छे खिलाड़ी अभी भी डगआउट में, चेतन और उनके साथ में नयन। ये देखे सीधे बल्ले से, ये 6 रन जरूर मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, यानी मैच लगभग यहां से खुला हो चुका है। 12 में 10 चाहिए तो अब 11 में 4 चाहिए, तो डीजे आपको जरूर मौका मिलेगा क्योंकि यहां से मैच जल्दी खत्म होने वाली है। लेकिन गेंदबाज ने अगर अच्छा कमबैक किया, जिस तरीके से तुषार शेलके ने आखिरी ओवर डाली थी, मैच 3 रन खर्च किए थे, ऐसी ओवर ये भी होनी चाहिए। छक्का तो मिला है, उसके बावजूद भी अगर आगे 5 गेंद डॉट निकाली तो जरूर मैच में वापसी करेगी। यहां से भोकारपाड़ा टीम, यहां से सीधी उंगली से घी निकल रहा है, फिर भी उंगली टेढ़ी करने की कोशिश। ये तो ऐसे चलेगा भाई, नया खिलाड़ी शायद तैयार भी होगा और सागर भी शायद सोच में होगा कि चलो अच्छे 40 रनों का लक्ष्य मिला। ये देखिए, ये भी गेंद डॉट, दो गेंदे बैक टू बैक डॉट आई है, यानी अभी भी दमखम है इस खिलाड़ी में। यस, हमारे खानाओ टीम के लेजेंड क्रिकेटर गणेश तात्रे, इनका शुभ आगमन, आपका भी स्वागत है। सरपंच चषक 2024।
ये देखिए परफ्यूम डिलीवरी, परफ्यूम डिलीवरी बैक टू बैक तीन गेंदे यहां से डॉट, पहली गेंद के ऊपर छक्का आया, यहां से चार रनों की अभी दूरी है, लेकिन वो चार रन उतने आसानी से भी मिलेगी नहीं। और गेंदबाज सूरज ठाकुर, आठ गेंदे चार रन, टैपिंग क्रिकेट, मैच फिनिश, विनिंग चौवा यहां से लगाया, दाग दिया तुषार शेलके ने। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच